Hello student, in last two videos, this is my third video and in last two videos we are learn about the add, subtract and multiplication by the various method of Vedic maths. In this video I am solving divide with the help of Vedic method called Nikhilam, Paravarti and Dhwajang. Okay, so first of all I am doing a big question on the blackboard which is I am solving with the help of Dhwajang. Okay, this question is question number 17. Look here children, question number 17, this is the toughest question, so I am solving this question on the blackboard. Question will be 592,837,119. देखो Dhwajang method में क्या method होता है कि आपको थ्री कॉलम्स बनाने हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक थ्री कॉलम्स एंड हाउ वी पुटिंग द डिवीजर. तो डिवीजर विल बी पुटिंग विद अ स्पेशल मेथड. नाइन विच इज यूनिट इज इट पुट हियर. नाइन फर्स्ट कॉलम में हमने नाइन रखा और ये केवल यूनिट डिजिट है. देखिए 119 का यूनिट डिजिट है, तो यूनिट डिजिट को हमने ऊपर रखा, उसको हमने क्या कहा? Dhwajang digit. इसको हमने क्या कहा? Dhwajang digit. क्या कहा? Dhwajang digit. और नीचे हमने जो रखा है left 11, this is called Mukhyang. देखो थोड़ा blackboard छोटा है इसलिए मैंने short में लिखा है Mukhyang. 9 is called Dhwajang digit and 11 is called Mukhyang digit. अब आपको second column और third column में क्या रखना है? What we put in second and third column? How we will decide this? तो दिस इज डिसाइड बाय द हेल्प ऑफ Dhwajang digit. इफ Dhwajang digit हैव सिंगल डिजिट देन पुट ओनली वन डिजिट 7 आई एम पुटिंग इन थर्ड कॉलम. ओनली 7 को ही आपको थर्ड कॉलम में पुट करना है. एंड लेफ्ट डिजिट फिर 59283 पुट इन मिडिल कॉलम. क्लियर? 59283 पुट इन मिडिल कॉलम एंड ओनली 7 इज पुट इन थर्ड कॉलम. व्हाई 7 इज पुट इन थर्ड कॉलम? ओनली बिकॉज Dhwajang digit have single digit. This is rule. Okay. Now we are solving this question. First of all, first आपको जो start करना है इस question को solve करने के लिए उसमें हमको सबसे पहले base step let करना है. 19 जो आपको 119 given है divisor, उस divisor के base के according हमने base 100 let किया. Because 119 is near 200, so I am putting here base 19. अब फर्स्ट स्टेप देखो, फाइव फर्स्ट आपकी क्या है डिजिट? फाइव. फाइव को हमने किसे डिवाइड किया? 11 से. पर नहीं होगा, नॉट डन, बिकॉज डिविजन इज ग्रेटर देन 5. 11 इज ग्रेटर देन 5, सो दिस इज नॉट डन. सो आई एम यूजिंग 59 टू डिजिट. देखो हमने क्या किया, 59 को. सेकंड स्टेप देखो यहां पर, सो ये मैंने लिखा है सो. So 59 is divided by 11. अगर आपको समझ में 11 में हमने 59 में 11 का डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आएगा? आप रफ में करके देखेंगे, आप रफ कॉपी हाथ में रखिए. जब वीडियो आप सी करें तब उस समय और आप डिवाइड करके देखें 59 में 11 का डिवाइड देंगे तो आपके पास क्वेश्चन विल बी 5 एंड वी गेट रिमाइंडर 4. क्वेश्चन को आपको यहाँ पुट करना है और रिमाइंडर को नेक्स्ट डिजिट के लिए. नेक्स्ट डिजिट क्या होगी हमारी? 59 तो हम यूज कर चुके हैं, वी विल यूज 59 बिफोर. सो द 4 इज पुटिंग इन फ्रंट ऑफ द 2. आया समझ में? 2 के सामने रखा है मैंने ये 15. नेक्स्ट स्टेप के लिए पहले आपको 4 रखना है. 4 रख के देखेंगे आप, तो फिर नेक्स्ट स्टेप हम जब करेंगे न्यू डिवी हमारे पास क्या आ गया? 42. क्या आया? 42 आया. ये रहा 42 रखा है ना मैंने यहाँ पे 42 पर कंसेंट 42. अब देखो नेक्स्ट डिजिट करेक्टेड. देखो इसमें सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको, जो आपके पास न्यू डिवी आएगा उसको करेक्ट करना है. अरे समझ में आपको, उसको क्या करना है आपको? करेक्ट करना है. तो देखो मैंने लिखा है आई एम राइटिंग हियर करेक्टेड डिवी. हमारा न्यू डिवी क्या था? 42. ये रखा 42. अब देखो करेक्टेड करने का एक वे है, वी हैव अ फॉर्मूला टू करेक्टेड डिवी. 42 माइनस ये मैंने क्यूडी लिखा है क्वेश्चन डिजिट. लुक हियर चिल्ड्रन, क्वेश्चन डिजिट इनटू डीएच Dhwajang digit, दोनों का प्रोडक्ट आपको लेस करना है करेक्टेड डिवी करने के लिए. 42 में से 42 माइनस 5 इंट 9, क्वेश्चन डिजिट इज 5 एंड Dhwajang digit इज 9. आई एम पुटिंग हियर 5 इंटू 9. 42 माइनस 45, वी गेट माइनस 3. अब नेगेटिव डिजिट हमारे पास आई है तो वी नॉट यूज दिस रिमाइंडर एंड
बैक टू होम, मैंने लिखा है बैक टू होम, बैक टू होम मतलब हमको वापस इधर आना है। लुक हियर चिल्ड्रन, जो फाइव मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में बताया था फाइव, उसको मैंने क्रॉस किया फोर, इसको अटेम्प्ट क्या ले लिया मैंने फोर, देखो ये रहा, ये रहा क्वेश्चन अपना फाइव आया था ना, फर्स्ट स्टेप में वी विल बैक टू होम, अभी हमारा फर्स्ट स्टेप ही चल रहा है, हम सेकंड स्टेप में गए लेकिन सेकंड स्टेप में हमको माइनस थ्री मिल गया, सो वी बैक टू होम और हम फर्स्ट स्टेप में आए, जो माइनस अटेम्प्ट किया था उसको मैंने फोर किया, यानी इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर, फोर्टी फोर को जब आप फिफ्टी नाइन में से लेस करेंगे देन वी गेट 15, ये देखो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्वेश्चन किया और हमको रिमाइंडर क्या मिला 15, तो इस 4 को हमने क्रॉस किया, 5 को क्रॉस करके 4 किया तो 44 लेस देन 59, 44 को 59 में से आप लेस करिए आपको पता चलेगा कि आपके पास रिमाइंडर क्या आता है, वी गेट रिमाइंडर 15 एंड पुट दिस रिमाइंडर फॉर सेकेंड डिजिट 2। अब हमारे पास जो न्यू डिग्री आया, लुक हियर चिल्ड्रन, न्यू डिग्री जो आएगा वो 152, ये मैंने स्टेप यहाँ किया है, अभी हमारा सेकंड स्टेप अगेन रिपीट किया हमने, न्यू डिग्री क्या है हमारे पास 152 यहाँ राइट डाउन किया है, नाउ करेक्टेड डिग्री सेम स्टेप चलेगा, वापस अगेन करेक्टेड डिग्री के लिए वही फॉर्मूला, क्वेश्चन डिजिट इंटू ध्वजांक डिजिट, लुक हियर चिल्ड्रन क्वेश्चन डिजिट इज 4 एंड ध्वजांक डिजिट इज 9, 4 इंटू 9 लेस 152, 152 में से हमने 36 को लेस किया, वी गेट 116 एंड अगेन 116 इज डिवाइडेड बाय 11, 11 हियर लुक मुख्यांक डिजिट, लुक हियर मुख्यांक डिजिट 11 इज मुख्यांक डिजिट, सो 116 डिवाइडेड बाय 11, क्वेश्चन अगेन 9, जो क्वेश्चन आया उसको हमने डाउन साइड में लिखा, क्वेश्चन सारे डाउन साइड में लिख रहे हैं, देखिए आप 9 एंड रिमाइंडर अगेन वी गेट 17, 17 इज पुट हियर फॉर 8 एंड न्यू डिवी विल बी 178, सेम स्टेप रिपीट हो रहे हैं आप देखिए, सेम स्टेप 178, करेक्टेड डिवी अगेन हमने करेक्ट किया 178 जो हमको मिला, वी गेट 178, करेक्टेड डिवी के लिए क्या करेंगे, व्हाट स्टेप विल बी डन, 178 माइनस 81 by 81, look here 9 into 9, हमारा नाइन इंटू नाइन, तो 178 माइनस 81 वी गेट 7 एंड 9 97, देखो ये मैंने 9 इंटू 9 क्यों किया, मेरा 9 इंटू 9 तो 99, 99 जो 81, 178 माइनस 81 एंड रिमाइंडर विल बी 97, 97 अगेन डिवाइडेड बाय 11, क्वेश्चन इज 8, पुट हियर क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 एंड रिमाइंडर विल बी 9, रिमाइंडर विल बी 9 फॉर नेक्स्ट डिजिट, देखो फिर से न्यू डिवी हमारे पास क्या आ गया, न्यू डिवी आ गया आपके पास 93, ये लिखा है मैंने 93, ओके आप 93 को फिर आप करेक्टेड करेंगे, 93 विल बी करेक्टेड, 93 करेक्टेड होगा, सो लुक हियर करेक्टेड डिवी 93, 93 माइनस क्वेश्चन डिजिट 8 एंड ध्वजांक डिजिट 9, तो 8 इंटू 9, 93 माइनस 72 वी गेट 21, अगेन 21 डिवाइडेड बाय 11, क्वेश्चन 11 में आप 21 को 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 11 बन जाए 11, रिमाइंडर विल बी 10, दिस 1% फिर डाउन साइड में लिखा और 10 विल बी राइट फॉर इन फ्रंट ऑफ 7 एंड वी गेट 107, न्यू डीवी क्या आया 107, अरे समझ में 107 एंड करेक्टेड डीवी 107 माइनस क्वेश्चन डिजिट 1 एंड ध्वजांक डिजिट 9, बोथ द प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 9 एंड 107 माइनस 9 जब आप करेंगे इसमें से तो 98 आएगा और ये आगे हम पुट नहीं करेंगे क्योंकि वी हैव नॉट टू मोर डिजिट फॉर डिवाइडिंग दिस क्वेश्चन, सो अवर आंसर विल बी 4981 इज अवर क्वेश्चन डिजिट एंड रिमाइंडर विल बी 98, क्लियर। एक जस्ट अ मिनट चिल्ड्रन,
दिस क्वेश्चन इज सो हार्ड सो आई एम सॉल्विंग वन मोर क्वेश्चन ऑफ भजांग ऑन द ब्लैक बोर्ड विच इज लिटिल इजी लुक हियर देखो क्वेश्चन नंबर 20 है ना क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको करती हूँ और समझा दू क्वेश्चन नंबर 20 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 90 फर्स्ट ऑफ ऑल मेक थ्री कॉलम्स नाउ पुट 91 हाउ विल वी विल पुट 91 तो 1 एस ध्वजांग डिजिट एंड 9 एस मुखियांग डिजिट मुखियांग ऐसा कुछ नहीं देखो आपके पास ध्वजांग डिजिट में ओनली वन डिजिट है सो वी पुट ओनली 5 हियर एंड अदर लेफ्ट डिजिट इनसाइड द कॉलम इन द मिडिल कॉलम ओके फर्स्ट स्टेप देखो आप 1 9 से डिवाइड नहीं होगा सो डायरेक्टली आई एम डिवाइडिंग 12 बाय 9 क्वोटेंट क्या आएगा आपके पास क्वोटेंट 1 एंड रिमाइंडर इज 3 पुट क्वोटेंट हियर एंड रिमाइंडर हियर फॉर नेक्स्ट डिजिट न्यू डिवी क्या है आपके पास सेकंड स्टेप न्यू डिवी विल बी 33 अब इसको करेक्टेड करना है सो वी करेक्टेड दिस डिजिट हाउ करेक्टेड डिजिट क्या होगा मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया ना 33 माइनस क्वोटेंट डिजिट इनटू ध्वजांग डिजिट 33 माइनस क्वोटेंट डिजिट विल बी 1 और ध्वजांग डिजिट आल्सो 1 तो 1 इनटू 1 तो 33 माइनस 1 इज इक्वल टू 32 डिवाइडेड बाय विच डिजिट मुखियांग बाय मुखियांग 9 क्वोटेंट इज 3 एंड रिमाइंडर विल बी 5 राइट 3 क्वोटेंट हियर एंड रिमाइंडर फॉर नेक्स्ट डिजिट देखो थर्ड स्टेप में यहां दिखा देती हूँ आपको वो थर्ड स्टेप न्यू डिवी क्या आया हमारे पास न्यू डिवी विल बी 54 करेक्टेड डिवी अभी तरीका बताया ना मैंने आपको एम टेलिंग यू मेथड टू सॉल्विंग द करेक्टेड डिवी तो 54 माइनस 3 इंटू 1 54 माइनस 3 व्हाट वी गेट 51 ये आपका नया करेक्टेड डिवी आ गया 51 डिवाइडेड बाय विच डिजिट मुखियांग विच इज 9 क्वोटेंट विल बी 5 एंड रिमाइंडर विल बी 6 क्वोटेंट क्या आएगा आपके पास 5 तो क्वोटेंट आप यहां लिखेंगे एंड रिमाइंडर विल बी पुट फॉर नेक्स्ट डिजिट न्यू डिवी नेक्स्ट स्टेप फोर्थ देखो न्यू डिवी क्या है अपने पास 65 करेक्टेड डिवी आई थिंक यू अंडरस्टैंड करेक्टेड डिवी 65 माइनस विच डिजिट क्वोटेंट इंटू ध्वजांग डिजिट तो 6 इंटू 1 वी गेट 65 माइनस 6 60 विल बी योर रिमाइंडर एंड 135 इज योर क्वोटेंट सो अवर आंसर विल बी 135 क्वोटेंट एंड रिमाइंडर विल बी 60 आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन दिस विल लिटिल इजी before question now I am solving question number 13 which is Nikhilam method question number 13 look here children question number 13 क्वेश्चन नंबर 13 आई एम राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड 1111304 डिवाइडेड बाय 889 बाय निखिलम मेथड निखिलम ओके लुक हियर चिल्ड्रन अगेन आई एम मेकिंग थ्री कॉलम्स First of all, we take base. Base is 1000 for this question because 889 near to 1000 and complement digit. क्या हो जाएगी आपकी complement digit? जब आप 1000
एट एट नाइन को किससे लेस करोगे? वी गेट ट्रिपल वन. सो राइट हियर डिविजर एंड ट्रिपल वन. देखो बेस में वी हैव थ्री जीरोज इन बेस, सो राइट थ्री कॉलम्स, थ्री सॉरी डिजिट्स आउटसाइड एंड अदर डिजिट इनसाइड. नाउ राइट वन एज इट इज मल्टीप्लाइड ट्रिपल वन बाय वन. तो वन वन जा वन वन जा वन एंड वन वन जा वन. नाउ वन एंड वन टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू एंड टू वन जा टू. ओके सॉरी सॉरी जस्ट अ मिनट राइटिंग हियर. टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू वन थ्री, टू वन थ्री, थ्री वन फोर. राइट हियर एड थ्री ऑल ऑफ डिजिट थ्रीज, तो टू थ्री एंड फोर, फोर राइट हियर. अब वन वन इलेवन, वन हंड्रेड इलेवन को अगेन आपको फोर से मल्टीप्लाई करना है. तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट के लिए आ जाएगा आपका फोर, फोर एंड फोर. एड ऑल द डिजिट्स, फोर और फोर एट, थ्री फाइव, फाइव और फोर नाइन, एंड फोर फाइव सिक्स एंड सेवन. सो क्वोटेंट विल बी 124 एंड रिमाइंडर विल बी 798. ओके क्लियर दिस क्वेश्चन? ओके चलिए एक परावर्तक का क्वेश्चन बता दूं आपको. क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखो. क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन वन थ्री थ्री एट फाइव डिवाइडेड बाय 131. बेस आपका 100, कॉम्प्लीमेंट डिजिट हो जाएगी आपकी 131 माइनस 100 इज इक्वल टू 31. एंड कन्वर्ट इट इनटू विनक्यूलम, कन्वर्ट इंटू विनक्यूलम डिजिट. विनक्यूलम मीन्स नेगेटिव डिजिट, तो थ्री बार एंड वन बार. ओके नाउ मेक थ्री कॉलम्स अगेन, पुट थ्री वन एंड विनक्यूलम डिजिट. वी हैव टू जीरोज इन दिस क्वेश्चन, सो राइटिंग टू डिजिट आउटसाइड एंड ऑल द अदर डिजिट्स इनसाइड. राइट वन एज इट इज मल्टीप्लाई थ्री बार एंड वन वन जा वन. ओके यहां देखो ये नेगेटिव डिजिट है और ये प्लस की डिजिट है, प्लस माइनस माइनस, सो वी गेट जीरो. मल्टीप्लाई बोथ द डिजिट बाय जीरो तो वी गेट जीरो. नाउ थ्री लेस देन वन, तो टू, थ्री टू जा सिक्स बार एंड टू वन जा टू बार. फाइव में से आपने थ्री टू लेस किया तो थ्री, और एट में से आपने सिक्स लेस किया तो आपके पास टू. सो क्वोटेंट विल बी 102 एंड रिमाइंडर विल बी 23. आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चन, बट यू हैव एनी प्रॉब्लम तो कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड solve all these question in fair copy. Make all the students make fair copy and done this all question in your fair notebook. Today we are completed our lesson first exercise, sorry exercise 1.1, and we will start exercise 1.2 tomorrow. Thank you children.